हेलो एवरीवन, मूली का प्रयोग करना शरीर और स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। मूली को कच्चा सलाद के रूप में, पत्तों की सब्जी, पत्तों का रस, पराठे, अचार अनेक रूप में प्रयोग किया जाता है। आज की हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे मूली कब कितनी मात्रा में खानी चाहिए, कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, किस समय मूली नहीं खानी चाहिए, किन चीज़ों के साथ मूली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये सारी जानकारियाँ आज के वीडियो में लेंगे। हम और भी हेल्थ और आयुर्वेद संबंधी वीडियोस बनाते हैं। अगर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हैं और सही जानकारियाँ चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को नीचे दिए सब्सक्राइब बटन और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जो लोग कब्ज की समस्या से परेशान हैं उनके लिए मूली खाना बहुत अच्छा है। कच्ची मूली अगर हम सलाद के रूप में खाते हैं, काटकर उसमें थोड़ा सेंधा नमक लगाकर खाते हैं तो उससे आंतों को बल मिलता है, आंतें मजबूत होती हैं और कब्ज की समस्या दूर होती है। जिन लोगों के पेट में गैस बनती है, अफारा रहता है, पेट फूला रहता है, उनके लिए भी मूली का सेवन करना बहुत फ़ायदेमंद है। कुछ लोग बताते हैं कि हमें मूली खाने के बाद डकारें आती हैं या गैस ज़्यादा पास होती है, तो यह चिंता की बात नहीं है। मूली हमारे शरीर से दूषित गैस को जो बनी हुई होती है उसको निकालती है, तो शरीर और स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। मूली का इस्तेमाल करना पीलिया के रोगियों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। जिन रोगियों में ब्लड बिलीरुबिन लेवल बढ़ा हुआ होता है, पीलिया की समस्या रहती है, जॉन्डिस हो जाता है, उनमें अगर मूली का रस कद्दूकस करके 50 से 100 ग्राम की मात्रा में मिश्री मिलाकर दिया जाता है तो उससे देखा जाता है बार बार होने वाले पीलिया की समस्या में काफ़ी राहत मिलती है। इसके अलावा मूली के पत्तों का रस भी पीलिया के रोगियों के लिए, लीवर के रोगियों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। इसके पत्तों का रस निकाल कर उसमें बराबर मिश्री मिलाकर अगर दिया जाता है तो जिनको पीलिया है, जिनका हाजमा गड़बड़ है, उसके लिए काफ़ी फायदेमंद है। जो लोग बवासीर की समस्या से परेशान हैं, खूनी या बादी बवासीर होती है, या जिनको एनल फिशर बन गए हैं, मल द्वार पर जिनके फिशर हो गए हैं, दर्द और जलन ज़्यादा रहती है, ऐसे में मूली का सेवन करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। शास्त्रों में भी बताया है बवासीर के लिए मूली सेवन करना बहुत अच्छा है। आप कच्ची मूली सलाद के रूप में अगर लेते हैं तो जो बवासीर की दिक्कत है, भगंदर की जो दिक्कत है, उसमें बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए मूली खाना बहुत फायदेमंद होता है। खाने से आधा घंटा पहले अगर हम मूली लेते हैं 50 से 100 ग्राम की मात्रा में तो देखा जाता है वजन कम होता है। यह शरीर में जमा फैट को, वसा को, चर्बी को पिघलाता है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है, जिससे शरीर में कमजोरी भी नहीं आती और साथ में वजन भी कम हो जाता है। मूली खाना हमारे दांतों के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत उत्तम होता है, क्योंकि मूली में कैल्शियम काफ़ी मात्रा में होता है जिससे दांत मजबूत बनते हैं। जिनको मसूड़ों से खून निकलने की समस्या होती है, पायरिया की दिक्कत आती है, ऐसे रोगियों के लिए भी मूली खाना बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। हृदय रोगियों के लिए भी मूली खाना काफ़ी फायदेमंद होता है, क्योंकि यह बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है जिससे हमारे शरीर में खून का दौरा ठीक होता है, क्लॉट्स नहीं बनने पाते, तो जिससे हृदय के स्वास्थ्य के लिए मूली खाना काफ़ी फायदेमंद है। मूली में कई ऐसे तत्व होते हैं जो कि हमारे शरीर को कैंसर के खतरे से बचाते हैं। इसके लगातार सेवन से कैंसर सेल्स शरीर में नहीं पनपते। इसमें मौजूद कई एंथ्राक्विनोन्स होते हैं जो कि कैंसर प्रतिरोधी होते हैं, कैंसर सेल्स की ग्रोथ को कम करते हैं। इसलिए जो कैंसर के रोगी हैं वो भी अगर नियमित रूप से इसका सेवन करें तो उनके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छी होती है। जो लोग फुलहरी की समस्या से परेशान हैं, विटिलिगो हो जाता है, वाइट पैचेस पड़ जाते हैं, ऐसे में मूली के रस में बराबर अदरक का रस मिलाकर अगर अफेक्टेड पार्ट पर साफ कॉटन से डेली लगाते हैं तो धीरे धीरे जो फुलहरी है, विटिलिगो है, वह समस्या दूर हो जाती है।
जिनको चेहरे पर झाइयाँ आ जाती हैं, झुर्रियाँ हो जाती हैं, पिंपल्स ज़्यादा निकलते हैं, उनके लिए भी मूली का सेवन करना काफ़ी अच्छा है। सुबह और दोपहर के समय अगर 50 से 100 ग्राम की मात्रा में मूली खाई जाती है तो स्किन पर ग्लो आता है, स्किन के अंदर निखार आता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो कि हमारे त्वचा के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, बीपी ज़्यादा रहता है, ऐसे में मूली का प्रयोग करना बहुत फ़ायदेमंद है। कच्ची मूली सलाद के रूप में काटकर 50 से 100 ग्राम की मात्रा में सुबह और दोपहर के समय अगर खाई जाती है बिना नमक लगाए तो ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करने में काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसमें कई एंटी हाइपरटेंसिव तत्व होते हैं जो ब्लड प्रेशर को बढ़ने नहीं देते और खून का दौरा भी पूरे शरीर में ठीक रहता है। शुगर के रोगियों के लिए भी मूली खाना काफ़ी फायदेमंद होता है, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम होता है जिस कारण ब्लड शुगर लेवल को यह बढ़ने नहीं देता। अगर लगातार आप कुछ समय दिन तक मूली का इस्तेमाल करते हैं, साथ में दवाएं भी लेते हैं, तो धीरे धीरे आपकी दवाओं की डोज भी कम होनी शुरू हो जाती है। तो मधुमेह के रोगी, डायबिटिक पर्सन्स के लिए मूली खाना काफ़ी फायदेमंद है। जो लोग गुर्दे की बीमारियों से परेशान हैं, बार बार जिनको पथरी हो जाती है, बार बार पेशाब में इन्फेक्शन हो जाता है, यूटीआई इन्फेक्शन होता है, पेशाब में जलन होती है, उनके लिए भी मूली खाना काफ़ी फायदेमंद है। 50 से 100 ग्राम की मात्रा में मूली या मूली का जूस आप लें, खाली पेट आपने इस्तेमाल करना है तो देखा जाता है जो पेशाब से संबंधी समस्याएँ हैं, गुर्दे की दिक्कत है, उसमें काफ़ी फायदेमंद है। मूली डाययूरेटिक होती है, इससे पेशाब ज़्यादा आता है, जिससे पेशाब में जलन, पेशाब में इन्फेक्शन आदि समस्याएं काफ़ी हद तक दूर हो जाती हैं। जिन लोगों को लीवर संबंधी समस्या है, हाजमा ठीक नहीं है, हाजमा गड़बड़ रहता है, खाया पिया डाइजेस्ट नहीं होता, लीवर का काम प्रॉपर नहीं हो पा रहा, उन लोगों के लिए भी मूली का सेवन करना काफ़ी फायदेमंद है। सुबह और दोपहर के समय खाना खाने से आधा घंटा पहले 50 ग्राम की मात्रा में मूली का रस लिया जाए तो लीवर के लिए बहुत अच्छा फायदेमंद होता है। यह बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर देता है, नेचुरल क्लींजर का काम करता है। आंखों के स्वास्थ्य के लिए भी मूली खाना काफ़ी फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और अन्य पोषक तत्व काफ़ी मात्रा में होती हैं जो कि हमारे आंखों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। मूली में पानी भी प्रचुर मात्रा में होता है, इसलिए जब शरीर में डिहाइड्रेशन की स्थिति आ जाती है, पानी की कमी हो जाती है, त्वचा सूखी हो जाती है, दरारें पड़ जाती हैं, तो उस समय मूली का सेवन किया जाए स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। अब हमने मूली के इतने सारे फायदे जान लिए, अब ये भी जान लेते हैं किन चीज़ों के साथ मूली नहीं खानी चाहिए। ज़्यादा खट्टी चीज़ों के साथ और ज़्यादा कड़वी चीज़ों के साथ मूली नहीं खानी चाहिए। करेले के साथ मूली नहीं खानी चाहिए। इसी तरह ज़्यादा खट्टी चीज़ें, ज़्यादा खट्टे संतरे और मौसमी के साथ भी मूली का सेवन करना निषिद्ध होता है, नहीं करना चाहिए। दूध के साथ भी मूली नहीं खानी चाहिए। आजकल ट्रेंड है मूली के परांठे दूध या चाय के साथ खाए जाते हैं। मूली के साथ अगर हम दूध लेते हैं तो उससे हमें हमारा इम्यून सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, जिससे अनेक प्रकार के स्किन के रोग हो जाते हैं। ऐसा शास्त्रों में भी बताया गया है कि मूली के साथ दूध बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। मछली के साथ भी मूली नहीं खानी चाहिए। जो लोग मछली खाने के शौकीन हैं वो उसके साथ मूली न लें, उससे भी इम्यून सिस्टम गड़बड़ होकर बहुत सारे रोग पैदा हो जाते हैं। छोलों के साथ भी हमें मूली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर में वात दोष बढ़ जाता है, जिससे अनेक प्रकार के जोड़ों के दर्दों की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसलिए छोले और बाई वाली चीज़ों के साथ मूली का इस्तेमाल कम करें। रात के समय भी मूली का इस्तेमाल कम करना चाहिए। सुबह और दोपहर के समय ले लेते हैं, क्योंकि मूली की तासीर ठंडी होती है और यह सर्दी के समय में आती है, तो इसलिए रात के समय भी आप थोड़ा सा मूली खाना अवॉइड करें। मूली की बताई हुई मात्रा 50 से 100 ग्राम तक की है एक समय में, सुबह और दोपहर के समय में। अगर इससे ज़्यादा मात्रा में हम मूली खा लेते हैं तो पेट में गड़बड़ हो सकती है, हमारा जो पाचन तंत्र है वो बिगड़ सकता है। इसलिए बताई हुई मात्रा में मूली खाएं और स्वास्थ्य लाभ पाएं।
आज के वीडियो को लेकर किसी के मन में कोई शंका हो, आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे आने वाले इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को नीचे दिए सब्सक्राइब बटन और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके जरूर सब्सक्राइब कर लें। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए हेल्थ टॉपिक के साथ। धन्यवाद।